नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा बर्गर ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे, बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरे दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन्स होते हैं कहकर बेच देना, काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे। इससे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उसे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इंपोर्टेड फल लाकर देता है, जिसे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल के बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। चिंकू और रिंकी नाम के दो प्यारे से खरगोश बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। जहाँ चिंकू एक शांत बच्चा था, वहीं रिंकी बहुत ज्यादा बोलती थी। रिंकी की बहुत ज्यादा बोलने की आदत उसे सभी से दूर कर देती थी, मगर फिर भी वह लगातार बोलती ही रहती थी, बिना बात के बोलती रहती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, मगर फिर भी वह नहीं समझती थी। एक दिन, बेटा चिंकू और बेटी रिंकू आओ, चलो खाना खा लो, बहुत मस्ती हो गई, अब चलो कल सुबह स्कूल भी जाना है ना, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ वरना सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। चिंकू और रिंकी खरगोश खाने के लिए आते हैं। वह खाना खाने लगते हैं तो चिंकू अपनी मम्मी से कहता है, अरे वाह मम्मी, क्या बात है, आज तो आपने पापा के मनपसंद का खाना बनाया है, आज तो पापा खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और मम्मी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। क्या चिंकू, क्या कह रहे हो, ऐसा भला क्या अच्छा लगेगा पापा को, पापा से पूछ लेते ना कि उन्हें क्या खाना है, अगर उनका मन कुछ और खाने का हुआ तो फिर तो तुम्हारा सारा खाना बर्बाद चला जाएगा ना मम्मी, इसलिए आपको पहले ही पापा से पूछ लेना चाहिए था कि उनको क्या खाने का मन है। और मम्मी मुझे तो ये सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं पापा कैसे खा लेंगे। तभी सोनू हाथी भी काम से आ जाता है और हाथ मुँह धुलकर खाना खाने बैठता है।
अरे यीशु, आज तो तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है। तुमने तो आज मुझे सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया। यह सुनकर यीशु लोमड़ी खुश हो जाती है। सभी खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब चिंकी रिंकी दोनों स्कूल से आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही घर पर दिल्ली वाली बुआ मोनी हिरण आती है और वह बच्चों के लिए तोहफा भी लाती है। चिंकी रिंकू, कैसे हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। चिंकू तुम्हारे लिए रिमोट वाली गाड़ी और रिंकी तुम्हारे लिए प्यारी सी गुड़िया। देखो। थैंक यू बुआ जी, आप बहुत अच्छी हो। मगर रिंकी को तो बोलने की आदत थी, वह चुप कैसे रह सकती थी। अरे बुआ जी, आप ये कैसा तोहफा ले आई? मेरे पास तो पहले से ही गुड़िया थी। अगर आपको मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना था तो मुझसे पूछ लेती ना, या मुझे साथ ले चलती, मैं अपनी पसंद से कोई गिफ्ट ले लेती। अब ये गुड़िया तो बेकार ही जाएगी, मैं इसका क्या करूँगी? मोनी हिरण बुआ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है। ठीक है रिंकी, अब से मैं जब भी तोहफा लाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ ही ले चलूंगी। क्यों अब ठीक है ना? हाँ बुआ जी, तो चले फिर। कहाँ? मेरा गिफ्ट लेने? और कहाँ? अभी नहीं, अगली बार जब आऊंगी तब तुम्हें लेके चलूंगी। तभी वहां पर सोनू खरगोश आ जाता है और कहता है, अरे कहाँ जाने की बात हो रही है बुआ भतीजी की? पापा बुआ हमारे लिए गिफ्ट लाई। देखो ना बुआ ने मुझे ये गुड़िया दी है, ये मेरे पास पहले सी थी। मैंने बुआ से कहा है कि अगली बार मेरे लिए कुछ लाएं तो मुझे अपने साथ लेके चले, मैं अपनी पसंद का गिफ्ट ले लूंगी। यह सुनकर सोनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ईशु दोनों बच्चों को अंदर भेज देती है। सोनू अपनी बहन मोनी से बहुत बातें करता है। बहुत देर के बाद मोनी हिरण सोने जाती है तो रिंकी कहती है, अरे बुआ जी आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। मोनी हिरण कुछ देर बाद खाना खाने जाती है। बुआ आप अभी खाना खा रहे हो? मैं तो कब का खा चुकी हूँ। बुआ आप अब सोकर उठी हो? कब की सोकर उठ चुकी हूँ। रिंकी खरगोशनी की वजह से मोनी हिरण बुआ को बहुत गुस्सा आने लगता है, इसलिए वह वापिस अपने घर जाने लगती है। तो चिंकू और रिंकी बुआ से कहते हैं, बुआ अगली बार आप मेरे लिए समोसे लेकर आओगे ना? बुआ मेरे लिए एक डॉल हाउस। हाँ चिंकू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे समोसे लाऊंगी बेटा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कहकर बुआ चली जाती है। रिंकी यह देखकर उदास हो जाती है कि बुआ ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। बेटी रिंकी, तुम्हें ऐसे यू वे वजन नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी आदत किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम इसे नहीं सुधारोगी सब लोग तुमसे कट जाएंगे, कोई भी तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा जैसे बुआ ने किया। रिंकी अब समझ जाती है और वह बहुत ज्यादा बोलना अब कम कर देती है। तो इसीलिए तो हम सब आप कहते हैं कि ज्यादा मत बोला करो बच्चे, माँ बाप जो कहते हैं उनकी सुना करो। बहुत समय पहले की बात है, एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है, थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना, तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो चला लंच करने, तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहां से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है, उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा मैं कल से सारा काम टाइम पे करूंगा, अब देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया
पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी। वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना, मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया। पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा। उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी तुमने सब पढ़ लिया क्या जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना बारिश होती बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मोंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया, अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा
तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है। शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है, सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ ना कुछ बनाता रहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है, ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी, तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ, मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था, वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है, मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है, अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी, ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी, सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर
बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, एक रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा, मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नज़र कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का पच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटा कर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता, उससे पहले ही उसके दादा टुनू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़कर आया हूँ जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी
लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है, तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल मैं अब घर के अंदर चलती हूँ, मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ, इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं, इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है। ओहो बबली तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है, चल ठीक है मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है। बबलू जी मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं? मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू, ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना, मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है, तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है, वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए, तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है, पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी उसकी डिजाइन भी कमाल है, ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं, उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली फोन क्यों नहीं उठा रही है, उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालत संभल जाएगी, इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत
तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। एक नगर में रिंकू खरगोश और भल्लू भालू रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंकू को जंगल में जाने का काम पड़ता था। वहाँ पर एक चालाक और बदमाश पिग्गी रहता था। वो खरगोशों को लेकर शेरा को बेच देता था। पिग्गी जंगल में मिलने वाले खरगोशों को रास्ता भटका देता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। ऐसे ही एक दिन भल्लू और रिंकू जंगल में गए। भल्लू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रिंकू आगे चला गया। पिग्गी उसको छुपकर देखता है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शिकार है। और पिग्गी रिंकू के पास जाता है। अरे खरगोश भाई, कहाँ घूम रहे हो? मैं तो किसी काम से आया हूँ, आप कौन है? मुझे लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मैं यहाँ पर सबकी मदद करता हूँ, खास कर खरगोशों की। लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पिग्गी को गुस्सा आता है, लेकिन वो हंसने का दिखावा करता है। सोच लो खरगोश, कहीं लेने के देने पड़ जाए। लेकिन भल्लू वहाँ आ जाता है। उसे देखकर पिग्गी चुप हो जाता है। क्या हुआ, आप परेशान कर रहे हैं मेरे दोस्त को? नहीं नहीं जी, मैं पास में ही हूँ, अगर मदद लगे तो बुलाना। दोनों दोस्त वापस नगर आ जाते हैं, लेकिन भल्लू को पिग्गी की बात खटक रही थी। रिंकू, वो पिग्गी बदमाश है, तुम्हें उसे जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी गलत आदमी लग रहा था, लेकिन मुझे तो जंगल जाना ही पड़ता है। इस बार तो तुम थे, अगली बार क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। भल्लू रिंकू को एक अलार्म घंटी देता है। रिंकू उस अलार्म घंटी को अपने गले में पहन लेता है और थोड़े दिनों बाद वो फिर से जंगल जाता है और थोड़ी ही दूर में उसे पिग्गी मिलता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम्हारा बड़ा भालू दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। किसने कहा कि मेरा दोस्त मेरे पास नहीं है? पिग्गी रिंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिंकू अलार्म घंटी का बटन दबा देता है। भल्लू के पास अलार्म घंटी की तेज आवाज पहुंचती है। फिर भल्लू तुरंत ही रिंकू के पास पहुंच जाता है। पिग्गी भल्लू को देखकर डर जाता है और भल्लू गुस्से में पिग्गी की पिटाई कर देता है। भल्लू और रिंकू की सूझबूझ से अब पिग्गी पकड़ा जाता है और जंगल के रास्ते जाने वाली सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से भल्लू और रिंकू की बड़ी मुसीबत में भी बड़ी समझदारी काम आई।